हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डायमंड सोरी फ्रॉम कैनविंग्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड. और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज देयर रियली अ कट ऑफ ऑन सब क्लास 491 वीज़ा? क्या 491 स्किल्ड रीजनल स्पॉन्सर्ड वीज़ा पर वाकई में ही कट ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है या नहीं? बहुत सारे लोग हमसे आके क्वेश्चंस पूछते हैं कि 491 वीज़ा शुरू तो हो गया है, बहुत पॉइंट्स एलोकेट हो रहे हैं, स्पॉन्सरशिप के आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल रहे हैं, सिंगल होने के या स्पाउस होने के पॉइंट्स मिल रहे हैं और हमारे बहुत अच्छे से एडअप होके पॉइंट्स बन रहे हैं, बट इस सब का क्या फ़ायदा जब कट ऑफ अभी 95 पे है? सो दिस क्वेश्चन रियली सरप्राइज्ड मी अ लॉट कि ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल रही है कि 491 वीज़ा, जो कि एक स्टेट टेरिटरी नॉमिनेटेड वीज़ा है, उस पर कट ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है. सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक कट ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. आपको पता है जैसे मेजर तीन वीज़ाज में ऑफशोर एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं. वन इज़ सब क्लास 189, द अदर इज़ सब क्लास 190 एंड द अदर इज़ सब क्लास 491, जो पहले 489 होता था. जो सब क्लास 491 है एंड जो सब क्लास 190 है, ये दोनों स्टेट नॉमिनेटेड वीज़ास हैं, विच एसेंशली मीन्स कि 190 एंड 491 में आप वीज़ा एप्लीकेशन तभी लॉन्च कर सकते हैं अगर आपको किसी स्टेट ने नॉमिनेशन या स्पॉन्सरशिप दी है. सब क्लास 189 एक ऐसा वीज़ा है, दैट इज़ स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, जिसमें आपको किसी स्टेट की नॉमिनेशन की ज़रूरत नहीं है और आप इंडिपेंडेंटली अगर 65 पॉइंट स्कोर करते हैं और अगर आपका ऑक्यूपेशन MLTSSL पे है, देन आप डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक अकाउंटेंट की हम एग्जांपल लेते हैं और लेट्स से मैकेनिकल इंजीनियर की हम एग्जांपल लेते हैं कि उनके 65 पॉइंट्स बन रहे हैं, उनको नॉमिनेशन की ज़रूरत नहीं है. अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑस्ट्रेलिया कैसे डिसाइड करेगा कि हमें किसको पहले पिक करना है? ऑब्वियसली हायर स्कोरिंग एप्लीकेंट्स को वो पहले पिक करेंगे, 100, 95, 90 एंड सो ऑन. सो जो कट ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हर महीने एक इनविटेशन राउंड किया जाता है, यूजली ऑन द 11th डे ऑफ अ मंथ, बट दिस डेट इज़ नॉट फिक्स्ड. सो वो अपना डिटेल में सारा डाटा डिस्प्ले करते हैं कि हमने कितने इन्विटेशन्स इस महीने में दिए हैं और उसमें से 189 के कितने एप्लीकेंट्स थे और 491 के कितने एप्लीकेंट्स थे. सो यहाँ पे 491 की बात आ जाती है. वेरी इंटरेस्टिंगली मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नेट पे पढ़ी है, मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं बिफोर डूइंग दिस वीडियो विद यू पीपल. एंड इंटरेस्टिंगली आई हैव सीन के बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस शूट करके उन्होंने डाले हुए हैं. प्रॉबेबली दैट इज़ वेयर पीपल आर कमिंग फ्रॉम. अब मेरे को समझ आ रही है कि इन्फॉर्मेशन की सोर्स क्या है, कि लोग ये वीडियोज़ देख रहे हैं और कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि एक्स वाई जेड ये कह रहे हैं कि इन्विटेशन राउंड लास्ट इस दिन हुआ था, 189 के अंडर इतने लोगों को इन्वाइट किया गया टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा एंड 491 के अंडर इतने लोगों को इन्वाइट किया गया एंड अभी तो 95 पॉइंट्स पे ही मेजॉरिटी लोगों को इन्विटेशन मिला है. वाइल दिस इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, बट आई वॉन्ट यू टू रेफर टू द इन्फॉर्मेशन आई हैव ऑन द स्क्रीन. लोग अपना वीडियो बनाने से पहले या इन्फॉर्मेशन देने से पहले ये तो देख रहे हैं कि 189 एंड 491 वीज़ा दोनों पे कट ऑफ एप्लीकेबल है, लेकिन 491 के आगे जो लिखा है फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा, उस पर ना तो खुद ध्यान दे रहे हैं ना ही व्यूअर्स का ध्यान दे रहे हैं. प्लीज़ लुक एट द स्क्रीन बिहाइंड मी, इस पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट, इज़ 189, इसमें कोई नॉमिनेशन नहीं इन्वॉल्व है. 491 वीज़ाज दो किस्म के होते हैं. एक होता है स्टेट टेरिटरी नॉमिनेटेड 491, जिसमें हम लार्जली स्टेट से या कोई टेरिटरी से नॉमिनेशन लेते हैं. एक 491 वीज़ा होता है जिसमें आप रिलेटिव की स्पॉन्सरशिप लेते हैं. सो कट ऑफ जो होता है वो सिर्फ 491 वीज़ा रिलेटिव फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा जो होता है उस पे एप्लीकेबल होता है. जो स्टेट से आपको नॉमिनेशन मिल रही है उस पे नहीं होता है. रादर अगर आप स्क्रीन पे मेरे पीछे ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, उस पे बहुत बहुत क्लियरली लिखा हुआ है नोट, स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट नॉमिनेशंस फॉर स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा सब क्लास 491 विल नॉट बी इम्पैक्टेड
किससे इम्पैक्ट नहीं होंगे, ये जो इनविटेशन राउंड्स हैं, ये जो 95 पॉइंट्स पे कट ऑफ जा रहा है, ये स्टेट टेरिटरी नॉमिनेटेड पे नहीं इफेक्ट करेगा। क्यों नहीं इफेक्ट करता, इसका मैं रीज़न बताती हूँ आपको। जब हम एक क्लाइंट की स्टेट नॉमिनेशन अप्लाई करते हैं, लेट्स से किसी का ऑक्यूपेशन एक स्टेट में आया, वो क्लाइंट उस स्टेट की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है और हम उसकी एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च करने से पहले पहले हम उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च कर देते हैं विद डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। अब क्या होता है, ये जो हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑनलाइन लॉन्च किया है और जो हमने ऑनलाइन स्टेट के पास नॉमिनेशन की स्पॉन्सरशिप की वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च की है, ये दोनों ऑनलाइन प्रोसेस हैं, ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। जैसे ही स्टेट आपकी स्पॉन्सरशिप अप्रूव करती है, ये डिसीजन कम्युनिकेट हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के स्किल सेलेक्ट सिस्टम में और वहाँ से आपको इमीडिएटली इनविटेशन टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा आ जाता है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली इट इज़ डन सो रैपिडली, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं होता इन टाइम बिटवीन जो आपका डिसीजन हुआ है और आपको इनविटेशन मिला, कि कई बार आई एम सरप्राइज्ड कि मुझे ईमेल डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के स्किल सेलेक्ट सिस्टम से पहले आ जाती है दैट यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा, और उसके प्रॉबेबली एक या दो मिनट के बाद स्टेट से मेरे को इन्विटेशन आती है कि आपके एप्लीकेंट की जो एप्लीकेशन है नॉमिनेशन की स्पॉन्सरशिप की अप्रूव हो गई है। सो एसेंशली जो भी क्लाइंट्स स्टेट टेरिटरी नॉमिनेटेड 491 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पर कोई कट ऑफ नहीं है। हम एग्जांपल एनएसडब्ल्यू की ले लेते हैं। एनएसडब्ल्यू एप्लीकेशंस के लिए उन्होंने जो अपना क्राइटेरिया रखा है वो है कि हमें 65 पॉइंट्स चाहिए। अगर आप ऑफशोर हैं और अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 65 पॉइंट्स एंड 6 बैंड्स ईच पे हम आपको नॉमिनेशन देने को रेडी हैं। तो 95 का कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ से आपको समझ जाना चाहिए कि 95 का कॉन्सेप्ट स्टेट टेरिटरी जो नॉमिनेशन देती है अंडर 491 उस पर नहीं है। 95 पॉइंट्स पे अगर कट ऑफ जा रहा है, वो सिर्फ 189 वीज़ा पे जा रहा है, प्लस 491 वीज़ा रिलेटिव फैमिली स्पॉन्सर्ड, अगेन रिलेटिव फैमिली स्पॉन्सर्ड 491 वीज़ा, नॉट द 491 वीज़ा जिसमें हम एक स्टेट से नॉमिनेशन के थ्रू जा रहे हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर, बिकॉज आई रियली थॉट आई नीडेड टू डू अ वीडियो ऑन दिस, बिकॉज माई ऑफिस इज़ गेटिंग सो मेनी कॉल्स एंड इट वॉज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को एक क्लैरिफाई कर दें कि प्लीज़ आप जो भी देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, एवरीबडी इज़ फ्री टू डू अ वीडियो, कोई भी वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकता है। लेकिन आई वॉज रादर वॉचिंग के जो पर्सन्स बता रहे हैं कि ये देखिए बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये 491 पे भी इन्विटेशन राउंड हुए हैं, वो कम्प्लीटली इस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि आगे फैमिली स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, वो उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, ना आपको ध्यान देने दे रहे हैं। सो प्लीज़ गो बैक एंड सी कि उधर क्लियरली फैमिली स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। सो आई एंड दिस वीडियो हेयर विद अ वेरी वेरी ब्रीफ सिनॉप्सिस ऑफ व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, एंड दैट इज कि 491 सब क्लास वीज़ा पे स्टेट्स आमतौर पे जो नॉमिनेशन देती हैं वो 65 पॉइंट्स पे ही देती हैं। कुछ स्टेट्स की एडिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे एनएसडब्ल्यू ने रिक्वायरमेंट रखी है 5 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस की, बहुत सारी स्टेट्स हैं वो नहीं ये रिक्वायरमेंट रखती हैं 65 पॉइंट्स पे 5 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस की, बट 65 इज़ द बेंचमार्क, इट इज़ द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। 491 वीज़ा एप्लीकेंट्स को बिल्कुल भी इनविटेशन राउंड्स देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका वीज़ा इनविटेशन राउंड से इफेक्टेड नहीं है, इम्पैक्टेड नहीं है। एंड अ लिटिल बिट मोर आईड लाइक टू एंड दिस वीडियो विद, NSW इज़ वेरी शॉर्टली गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग एप्लीकेशंस फॉर 491 स्पॉन्सरशिप्स, एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग्स। लेट मी टेल यू, अभी और स्टेट्स ने अपनी नॉमिनेशन लिस्ट्स रिलीज करनी है, और ऑक्यूपेशंस अभी ऐड होने हैं, अभी और स्पॉन्सरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ आनी हैं। सो जस्ट होल्ड टाइट एंड वेट, बिकॉज आपका अगर ऑक्यूपेशन नहीं लिस्टेड है, वेरी सून किसी ना किसी स्टेट में ऐसे क्राइटेरिया पे आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट हो जाएगा जो क्राइटेरिया आप इजिली मीट कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर नाउ एंड इन दिस वीडियो हेयर एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड है, सेंड अस एन ईमेल, गिव अस अ फोन कॉल और विजिट आवर ऑफिस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस फॉर यू। एंड दिस इज़ गुड बाय फॉर नाउ, डेविन सोडी फ्रॉम कैनवे। एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर
as well as subscribe to our YouTube channel, that is Canwings Consultants Private Limited.